वंदे भारत या फिर बुलेट ट्रेन कौन कितना बेहतर है, चलिए जानते हैं। सो हेलो गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूं हर्षवर्धन और आपने देखना शुरू कर दिया टेक ब्यूरो। सो गाइस, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपने ये जरूर देखा होगा कि पिछले कुछ टाइम से हाईवे और एक्सप्रेसवे के साथ साथ हमारा रेल नेटवर्क भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग बुलेट ट्रेन और वंदे भारत इन दोनों के बारे में बात करते हैं। बट वीडियो में और आगे बढ़ने के पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों, देश में जापानीज बुलेट ट्रेन का इंतजार तो बहुत जोर से हो रहा है, बट हमारी देसी बुलेट ट्रेन यानी कि वंदे भारत तो अब दौड़ने लगी है। तो चलिए अब बुलेट ट्रेन और वंदे भारत एक्सप्रेस के कुछ इंटरेस्टिंग तथ्यों को जानते हैं। तो देखिए, रेल मिनिस्ट्री के अनुसार वंदे भारत की स्पीड बुलेट ट्रेन से जरूर कम है, लेकिन इसने 0 से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को सिर्फ 52 सेकंड्स में अचीव कर लिया है। और वहीं पे बुलेट ट्रेन को इस स्पीड को हासिल करने के लिए करीब करीब 54.6 सेकंड का टाइम लगता है। अब देखिए, वंदे भारत की जो मैक्सिमम स्पीड है वो 180 किलोमीटर पर आवर की है, और वहीं पे जो बुलेट ट्रेन होगी उसकी मैक्सिमम स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर की बताई जा रही है। अब देखिए, वंदे भारत को मेक इन इंडिया मिशन के तहत चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में डिजाइन करके वहीं बनाया गया है। अब गुणवत्ता और सवारियों की सुविधा यानी कि पैसेंजर इंडेक्स की बात करें तो इन मापदंडों पर ट्रेन का स्कोर निकल के आता है 3.2, जबकि वर्ल्ड लेवल पर बेस्ट स्कोर है 2.9 का। इसके कोचेस को अलग तरह से डिजाइन किया गया है और इसमें 3 घंटे का बैटरी बैकअप होगा। इसके साथ ही आप देखोगे तो ट्रेन में सेल्फ प्रोपेल्ड इंजन है। वंदे भारत एक्सप्रेस किसी भी इम्पोर्टेड ट्रेन के मुकाबले 40% कम खर्च में बनी है। वैसे वंदे भारत की पहली रैक बनाने के लिए करीब करीब 100 करोड़ रुपए का खर्च आया था और इसको तैयार करने में करीब करीब 18 महीने का समय लगा है। और ये सब मिलाकर आप देखोगे ना तो अभी भारत में टोटल 4 वंदे भारत ट्रेन दौड़ रही है। अब अगर बात बुलेट ट्रेन की जाए तो भारत में जापान के शिंकानसेन E5 सीरीज की बुलेट ट्रेन दौड़ेगी। यह बुलेट ट्रेन जापान रेलवे कंपनी के अंडर आती है। अब भारत में पहली बुलेट ट्रेन मुंबई और अहमदाबाद के बीच में चलेगी। भारत में चलने वाली बुलेट ट्रेन की जो मैक्सिमम स्पीड होगी वो 320 किलोमीटर पर आवर की होगी, और वहीं पे जो हमारी वंदे भारत है इसकी मैक्सिमम स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर की है। अब आप देखोगे तो बुलेट ट्रेन में एक बार में 800 पैसेंजर बैठकर सफर कर सकते हैं। हालांकि प्रोजेक्ट के सफल होने के बाद इस कैपेसिटी को बढ़ाकर 1250 तक किया जा सकता है। बुलेट ट्रेन में फ्लाइट की तरह 2 क्लास होंगे, एक तो होगा इकोनॉमी क्लास और दूसरा होगा एग्जीक्यूटिव क्लास। वैसे बुलेट ट्रेन का किराया अभी तक तय नहीं है, बट बताया ये जा रहा है कि बुलेट ट्रेन का किराया ना फ्लाइट से कम होने वाला है। अब वहीं पे किराए की बात हो रही है तो अगर वंदे भारत के किराए की बात करें तो देखिए, एक एग्जाम्पल देता हूँ। तो देखिए, दिल्ली से कटरा तक AC चेयर कार का जो वंदे भारत का किराया है वो 1360 रुपये है, और वहीं पे जो एग्जीक्यूटिव चेयर कार है उसका किराया करीब करीब 3000 रुपये है। तो यहाँ पे मैंने ना अब आपको बुलेट ट्रेन और फिर हमारी वंदे भारत इन दोनों के जो मेन फीचर्स हैं ना उन सब के बारे में बता दिया है। तो बस फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कीजिएगा, और नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि भाई आपको ये वीडियो क्यों नहीं पसंद आई, जिससे कि हम लोग उस पर काम कर सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।